ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम पढ़ेंगे श्री चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला अध्याय 4, सनातन गोस्वामी का जगन्नाथपुरी जाना, भगवान चैतन्य महापुरुष से मिलने के लिए, श्लोक क्रमांक 102। आप लोग प्रयास कीजिएगा दोहराने का। आपने आचरे के हा ना करे प्रचार, आपने के ना करे प्रचार, करे न के हा ना करे न आचार, आचार प्रचार नामेर करे दुय कार्य, तुमी सर्व गुरु तुमी जगतेर आर्य। तो ये श्लोक जो है, तो ये श्लोक सनातन गोस्वामी जो है हरिदास ठाकुर के लिए बोल रहे हैं। आपने आचार्य केहे ना करे प्रचार। तो कुछ लोग आचरण करते हैं, मतलब सही सदाचार करते हैं, लेकिन प्रचार नहीं करते हैं। कुछ लोग प्रचार करते हैं लेकिन सही तरह से आचरण नहीं करते हैं। आचार प्रचार नामेर करे दुई कार्य। तो हरिदास ठाकुर के लिए बोल रहे हैं कि आप आचरण भी आपका अच्छा है, सदाचार है, और आप प्रचार भी करते हैं। आचार प्रचार नामेर करे दुई कार्य, दोनों कार्य आप कर रहे हैं। तुमी सर्व गुरु, आप क्या हैं, आप सबके गुरु हैं। तुमी जगतेर आर्य, है ना, और आप जगतेर आर्य मतलब सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी हैं। तो कुछ लोग आचरण करते हैं, प्रचार नहीं करते हैं। कुछ लोग प्रचार करते हैं लेकिन आचरण नहीं करते हैं। लेकिन आप दोनों कर रहे हैं, आचरण भी कर रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है, सनातन गोस्वामी यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि एक प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु कैसा होना चाहिए। उसकी योग्यताएं ये है कि उसको शास्त्रों के अनुसार पालन करना होता है और साथ ही साथ उसका प्रचार करना होता है, तब वो प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। हरिदास ठाकुर ऐसे ही एक आदर्श प्रमाणिक गुरु थे, जो नियमित रूप से अपने माला पर जप करते थे, प्रतिदिन 300,000 नाम हरिनाम जप करते थे। उसी तरह से कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को कम से कम 16 माला प्रतिदिन करना चाहिए, और साथ ही साथ जो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है भगवद गीता यथारूप से, उसका प्रचार करना चाहिए। तब कोई अगर ऐसा करता है तो वो इस संसार में प्रमाणिक गुरु बनने के लिए योग्य है। ओम अज्ञानति मिरंधस्य ज्ञानंजनन शलाकया चक्षुरमृता मेलम तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदांतिकम्। वंदेहम श्रीगुरो श्योत्पदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है कि किस तरह से कोई आचार और प्रचार, अपने आचरण के द्वारा और अपने प्रचार के द्वारा अन्य लोगों को इस भौतिक जगत से निकाल सकता है, गुरु के रोल में आ सकता है ना। तो
आचरण है ना, कुछ क्रियाएं करना, कुछ कार्यकलाप करना। तो वैष्णव सदाचार जो है, सत आचार, सत मतलब नित्य है ना, या सत्य मतलब श्री कृष्ण। ऐसा आचरण जो भगवान श्री कृष्ण को उनको प्रिय लगे है ना, ऐसा कार्य करना जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय लगे। तो जैसे कि बताया जाता है कि लोग अधिकतर इतना किसी की बात सुनते हैं तो इतना नहीं सीखते हैं, लेकिन अगर किसी का आचरण देखते हैं तो जल्दी सीख जाते हैं है ना। तो जैसे बोलते कथनी और करनी, वो क्या होना चाहिए, एक जैसी होना चाहिए। अगर हम जो कथनी है हमारी, या जो हम फिलॉसफी चर्चा कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वो तो बहुत उच्च स्तर की है ना, लेकिन जो हम व्यवहारिक रूप से पालन कर रहे हैं है ना, उसमें अंतर है। तो कोई भी नए व्यक्ति होंगे या इवन जो साधक होंगे, उनको ये स्वीकार करना मुश्किल होगा कि भगवद गीता में तो ये दिया है, भागवतम में तो ये दिया है, लेकिन आचरण में कुछ दूसरा दिख रहा है। तो उनका शास्त्रों के प्रति इतना श्रद्धा नहीं बैठेगा, या भक्ति में आगे बढ़ने के प्रति उनकी इतनी श्रद्धा नहीं बैठेगी। तो बहुत सारे लोग आचरण से सीखते हैं है ना। जैसे हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो बोलने से इतना नहीं सीखते हैं जितना माता पिता या आसपास का जो परिवेश होता है वहाँ लोग क्या कर रहे हैं उसकी नकल करते हैं, उसको इमिटेट करना चालू करते हैं। तो इसीलिए जो हमारी फिलॉसफी है, जो हमारा सिद्धांत है, उसको व्यवहारिक रूप से जब अनुशीलन करते हैं उसको बोलते हैं आचरण है ना, या सदाचार। तो भगवद गीता और वैदिक शास्त्रों की फिलॉसफी को व्यवहारिक रूप से पालन करना, वो है आचरण। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारा अध्ययन तो बहुत है, हमें श्लोक बहुत आते हैं, लेकिन हमारे आचरण में वो दिख नहीं रहा। तो वो कैसा हो जाएगा, जैसे एक राख के ऊपर घी डालना जैसा हो जाएगा। जैसे सूखी राख है, उसके ऊपर अगर घी डाल दिया तो घी क्या है, वो वेस्ट है, उसका कोई उपयोग नहीं है। जो अग्नि कुंड होता है उसमें अगर घी डालेंगे तो वो घी और उसको प्रज्वलित करेगी। तो इसी तरह से अगर वैसे भक्ति के प्रभाव से सभी तरह के सद्गुण विकसित होते हैं, जैसे कि भागवत में बताया गया है, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुण तत्र समासते सूरा हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणान् मनोरथ नास्ति धावतो भई। कि जो भगवान की अकिंचन भक्ति में लगता है उसमें अपने आप ही क्या होते हैं, दैवी गुण प्रकट होते हैं, अपने आप ही दैवी गुण आना प्रारंभ होते हैं। और जो भगवान का भक्त नहीं है, अभक्त है, अगर जो मन के रथ पर स्थित है, तो उसके अंदर जो गुण आएंगे वो भी गुण कैसे आएंगे, वो कुछ समय के लिए होंगे, वो परिस्थिति प्रतिकूल होने पर वो गुण क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, विपराइज हो जाएंगे। तो भक्तों में ही वास्तव में गुण हो सकते हैं, और वो गुण कैसे आते हैं, भक्ति के प्रभाव से आते हैं। तो भक्ति के प्रभाव से अपने आप सद्गुणों का विकसित होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्वयं से प्रयास ना करें अच्छे गुणों को विकसित करने का है ना। तो साथ साथ में हमारा प्रयास है कि हमें अच्छे गुणों को विकसित करना है, और वो वास्तव में गुण कैसे विकसित होंगे, भक्ति के द्वारा ही विकसित होंगे। तो दोनों साथ साथ में चलता है। तो ये जो सदाचार है, सही शास्त्रोचित आचरण है ना, शास्त्रोचित आचरण, ये कोई केवल ऐसा नहीं है कि हमें हम्बल होना है और सॉफ्ट होना है ना, केवल इसकी बात नहीं हो रही है। शास्त्रों के अनुसार आचरण करना, वो है सदाचार। और वैष्णव समाज में जो सदाचार होगा वो वैष्णव सदाचार है। बहुत सारे जगह बहुत सारे एटिकेट सिखाए जाते हैं है ना, बहुत सारे इवन आर्मी में जाएंगे या फिर आरएसएस में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे ऐसे नियम सिखाए जाते हैं है ना, और एक तरह से व्यक्ति को अनुशासित करने के लिए अच्छे भी होते हैं है ना, लेकिन वो अपने आप में
वो आचरण पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो आचरण कैसा होना चाहिए, अंततः भगवान कृष्ण की तरफ ले जाए। तो एक नैतिक स्तर पर वो आचरण अच्छा दिख सकता है ना, लेकिन उसको परमार्थिक स्तर पर देखें या आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो वो आचरण क्या है, अपने आप में संपूर्ण नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है। तो चैतन्य चरितामृत में ये आचरण के बारे में कई जगह वर्णन किया गया है। जैसे चैतन्य चरितामृत की जो अंत लीला है उसके चौथे अध्याय के 129 और 130वें श्लोक में बताया गया है, यद्यपि तुम्ही हो जगत पावन, तुमा स्पर्शे पवित्र होए देव मुनि गण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन होए साधुर्भूषण। तो ये चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी ने मुस्लिम सरकार में कार्य करने के कारण जो हिंदू समाज था, हिंदू समाज ने सनातन गोस्वामी का बहिष्कार कर दिया था, उनको मुस्लिम की ही तरह देखा जा रहा था। तो जब सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी आते हैं तो महाप्रभु से मिलने के लिए दो रास्ते हैं, एक रास्ता है जो कि पुरी मंदिर के पास से जाता है और दूसरा रास्ता है जो समुद्र के पास से जाता है। तो समुद्र के पास से जो रास्ता जाता है वहाँ क्या है, बहुत गर्म बालू है ना, वो चलना बहुत मुश्किल है। और जो जगन्नाथ मंदिर के पास से जाता है वहाँ बहुत सारे जगन्नाथ जी के सेवक जो हैं, रसोइये हैं, अर्चक हैं, वो वहाँ भ्रमण करते रहते हैं, तो उनको स्पर्श करने का एक संभावना हो सकती है। तो सनातन गोस्वामी क्या करते हैं, बड़ा रास्ता चुनते हैं, है ना, बड़ा रास्ता चुनते हैं जो कि समुद्र से बालू से होते हुए जाता है। तो सनातन गोस्वामी के पैर क्या हो जाते हैं, पूरे जल जाते हैं, उसमें फफोले पड़ जाते हैं, है ना। और सनातन गोस्वामी ऐसा प्रतिदिन करते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी का ऐसा व्यवहार देखते हैं कि सनातन गोस्वामी उस रास्ते से आ रहे हैं और उनको इतना कष्ट हो रहा है लेकिन फिर भी वो पालन कर रहे हैं, तो उस समय श्लोक बोलते हैं, यद्यपि तुम्ही हो जगत पावन, कि हालांकि आप संसार का पावन कर सकते हैं, तुमा स्पर्शे पवित्र होए देव मुनिगण, कि अगर आपको कोई स्पर्श कर ले तो देवता और मुनिगण भी पवित्र हो जाएंगे, लेकिन फिर भी तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, फिर भी भक्तों का स्वभाव क्या होता है, मर्यादा की रक्षा करना, मर्यादा पालन होए साधुर्भूषण। तो मर्यादा को पालन करना ये साधुओं का क्या है, भूषण है, साधुओं का क्या है, अलंकार है। तो इसको तात्पर्य में जो प्रभुपाद जी इसका ट्रांसलेशन जो कर रहे हैं, मर्यादा को क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं, एटिकेट्स, वैष्णव सदाचार, मर्यादा पालन होए साधुर भूषण। तो जो मर्यादा वैसे और एक विस्तृत शब्द है, तो जो वैष्णव सदाचार को, व्यवहार को जितना पालन करता है ना, वो उतना, वो भक्ति की श्रेणी में उतना अधिक है, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण। फिर आगे क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, मर्यादा लंघने लोक करे उपहास, अगर मर्यादा का पालन नहीं किया, अगर वैष्णव सदाचार को पालन नहीं किया तो लोक उपहास करेंगे, हंसी करेंगे कि देखो भक्ति भी कैसे होता है, बोलने में तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, व्यवहार में तो कुछ दिखता ही नहीं है, है ना। फिलॉसफी बोलने की बोला जाए तो हर कोई प्रवचन दे सकते हैं लेकिन व्यवहार में वो दिख नहीं रहा है। तो मर्यादा लंघने लोक करे उपहास, अगर मर्यादा का उल्लंघन होगा तो लोक उपहास करेंगे, है ना। यह लोक पर लोक दुई होए नाश, इस लोक में मतलब इस जन्म में और अगले जन्म में क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, इस जन्म में भी पतन होगा और अगले जन्म में भी पतन हो ही चुका है, जब इस जन्म में पतन हो गया तो अगले जन्म में तो पतन निश्चित। तो इस तरह से ये वैष्णव सदाचार बहुत महत्वपूर्ण है, है ना, ये साधुओं का क्या है, आभूषण है, ये साधुओं का आभूषण, और इसको अगर पालन नहीं करेंगे तो उपहास होगा, हम क्या बन जाएंगे, उपहास के पात्र बन जाएंगे। ऐसा होता है कि वैष्णव परिधान है, सब कुछ हमने धारण किया हुआ है बाहरी रूप से, लेकिन हम नियमों को अगर अच्छे से पालन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जैसे हम देखते हैं कि जब हम कभी जाते हैं
ट्रेन से जाते हैं या बाहर जाते हैं, तो बहुत सारे आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों को देखते हैं। और जब उनको अब देखते हैं कि बाहरी रूप से वो कुछ पालन नहीं कर रहे हैं, तो हमारे मन में क्या आता है, देखो वो वहाँ से जुड़ा हुआ है, देखो कुछ कुछ नहीं कर रहे हैं, नाम के जुड़े हुए। तो ऐसा स्थिति ना हो कि आगे चल के इस्कॉन में भी, अरे देखो इस्कॉन के भक्त हैं, ये कुछ पालन ही नहीं कर रहे हैं। कहने के लिए तो मंदिर जाते हैं, कहने के लिए तो भगवद्गीता पढ़ते हैं, लेकिन व्यवहार में कुछ दिख नहीं रहा। तो तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को कुछ उपदेश दिए थे और उनको कहा था कि आप वृंदावन जाइए और इनको पालन कीजिए, जैसे कि लुप्त तीर्थों का उद्धार करना, जो कि वृंदावन धाम खो चुका था उसका पुनरुत्थान करना, मंदिरों की स्थापना करना, पुस्तकों की रचना करना। और पुस्तकों की रचना में विशेषकर जो वैष्णव स्मृति है, कैसे वैष्णवों का आचरण होना चाहिए, उसके ऊपर पुस्तक लिखना। तो सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास की रचना की, और उस हरि भक्ति विलास में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें एक बहुत मुख्य भाग क्या है, कैसे वैष्णवों का आचरण होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु भी चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने अपने वाक्यों से भी कहा है, और चैतन्य महाप्रभु ने अपने जो बहुत ही निकट के पार्षद हैं उनको भी आदेश दिया है कि आप वैष्णव आचरण के ऊपर पुस्तकों को लिखिए। तो वो सनातन गोस्वामी ने लिखा। ओके, तो अभी आने वाले सत्रों में जो हम चर्चा करेंगे कि आचरण किस किस स्थान पर हमें आचरण का ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं होगा कि जब हम सामने हैं ये बहुत सारे लोग हैं तो हमारा आचरण कुछ दूसरा होगा, और जब अकेले हैं तो दूसरा आचरण हो, ऐसा भी नहीं है, है ना। तो मंदिर जब आते हैं या जब टेंपल हॉल में होते हैं या मंदिर की जब परिसर में होते हैं, तब हमारा क्या आचरण होना चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। फिर दूसरा भाग होगा कि अलग अलग श्रेणी के भक्तों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, कोई भक्ति में बहुत नए हैं उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाए, जो दीक्षित भक्त हैं उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाए, समकक्ष हैं उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अगला भाग होगा प्रसाद सर्विंग करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए और प्रसाद ग्रहण करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, है ना। प्रसाद ऑनरिंग और सर्विंग, उसमें हमें क्या क्या हमारे क्या क्या उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं। फिर हमारी व्यक्तिगत साधना, उस व्यक्तिगत साधना में हमें क्या क्या बातें ध्यान रखना है। और जब हम धाम जाते हैं, जब हम धाम यात्रा करने जाते हैं, तो उस समय क्या क्या सदाचार के नियमों को हमें पालन करना होता है। तो ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं, बड़ी बड़ी कैटेगरीज हैं, इसके अंदर अतिथि सेवा भी आ जाएगा, है ना। और पुरुष भक्तों का माताओं से डीलिंग कैसे होना चाहिए, माताओं का पुरुष भक्तों से कैसे डीलिंग होना चाहिए, जो पवित्र चीज़ें होती हैं जैसे माला है, चंदन है, है ना, तो उनके साथ कैसे क्या व्यवहार, कैसे व्यवहार किया जाता है, है ना, क्या चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं, है ना। तो एक एक करके हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो इसमें बहुत सारे नियम आएंगे, बहुत सारे भक्त पूछते रहते हैं कि मंदिर में जब आते हैं तो प्रणाम कैसे करना होता है, लेफ्ट साइड ही क्यों प्रणाम किया जाता है, है ना, भक्तों से मिलते हैं तो क्या सावधानी रखना चाहिए, तिलक कैसे लगाना चाहिए, ऐसे इत्यादि इत्यादि बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो बहुत सारे इसमें नियम आएंगे, है ना, बहुत सारे इसमें नियम आने वाले हैं। तो नियम का एसेंस समझ के रखना है, नियम में नहीं खो जाना है, कि नियम में खो गए लेकिन नियम का सार नहीं समझे, है ना। तो नियम का सार क्या है, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित, है ना, कि हमेशा भगवान विष्णु का स्मरण रखना और कभी उनका भूलना नहीं। ऐसा ना हो, नियम पालन करना जरूरी है लेकिन नियम किस लिए पालन कर रहे हैं वो महत्वपूर्न है। ऐसा
ना हो कि नियम तो बहुत सारे समझ लिए, बहुत सारे पालन करने लगे, लेकिन उस नियमों से हमारे जीवन में क्या अंतर आना चाहिए वो कुछ दिख नहीं रहा है। नियम के दास नहीं बनना है, कृष्ण के दास बनना है। और क्योंकि नियम कृष्ण को पसंद है इसीलिए हम नियमों को पालन करते हैं, है ना। तो और एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए? सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, है ना। तो आजकल क्या हो गया है? कॉम्प्लेक्स लिविंग, नो थिंकिंग, है ना। तो जीवन क्या हो गया? बहुत बहुत जटिल हो गया, बहुत सारी जटिलताएं हो गई, अलग अलग स्तर पर लोगों की अलग अलग जटिलता है, और सोच विचार करते नहीं। तो भक्तों का जीवन कैसा होना चाहिए? सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। तो इसमें कुछ विशेष कुछ गुणों के बारे में बताया जा रहा है कि अगर हम शिष्टाचार का पालन नहीं करते हैं, अगर सदाचार का पालन नहीं करते हैं, तो वेदों का जो अध्ययन है वो व्यर्थ हो जाएगा, अगर हम शिष्टाचार का, सदाचार का पालन नहीं करते। और फिर आगे बताया जा रहा है, अगर सदाचार और शिष्टाचार का पालन नहीं किया जाता है तो जो हमने ज्ञान लिया है वो ज्ञान भी हम लंबे समय तक स्मरण नहीं रख पाएंगे, है ना। तो जब हम पालन करते हैं तो वो हमको ज्ञान याद रहता है, क्योंकि ये केवल एक थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, ये कोई सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है कि हमने भगवद गीता पढ़ लिया या उसको याद कर लिया। जब उसको हम जीवन में पालन करेंगे व्यवहारिक रूप से तो वो ज्ञान याद रहेगा, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक वैष्णव की पहचान क्या है? वैष्णव मतलब परफेक्ट जेंटलमैन, है ना, एक सभ्य व्यक्ति, है ना। तो परफेक्ट जेंटल, एक सभ्य व्यक्ति होना चाहिए, जो वैष्णव है वो सभ्य होना चाहिए। जेंटल वुमेन भी कुछ होता है क्या? जेंटल वुमेन, सभ्य, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उस सभ्य, है ना, वो सही तरह से आचरण करने वाले होना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, इस लोक में परिहास होगा, यह लोक दोनों लोग क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। तो इसीलिए वैष्णव सदाचार के बिना हम शास्त्र अध्ययन बेकार है, और अगर शास्त्र अध्ययन कर भी लिया तो उस ज्ञान को हम अपने पास में रख नहीं पाएंगे, वो चला जाएगा। ओके, तो ये इसका बैकग्राउंड था कि क्यों हम इसका चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करते हैं, देखते हैं कितना होता है, कि मंदिर में जब आते हैं तो उस समय क्या क्या नियम होना चाहिए, मंदिर कक्ष में क्या नियम होना चाहिए, प्रणाम करते से करते समय क्या नियम होना चाहिए। तो सबसे पहले जो मंदिर में जब आते हैं हम, उसमें क्या नियम होना चाहिए? एक हमारा विनम्रता का भाव होना चाहिए, है ना, एक विनम्रता का भाव होना चाहिए। जैसे कि विनम्रता का भाव मतलब कि जैसे हम बाहर जूते चप्पल उतार के आते हैं वैसी अपनी उपाधियां भी उतार के आए। जब मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो अपनी सारी उपाधि जो है वो शू स्टैंड पर छोड़ के आए। अगर उन उपाधियों के साथ में हम मंदिर में आ रहे हैं तो वो हम भगवान के सामने सेवक के रूप में नहीं आ रहे। तो जब भगवान के सामने आना है, मंदिर में आना है, तो एक दास की अनुभूति होना चाहिए कि मैं यहाँ पर सेवा करने आया हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, और यही मेरा संवैधानिक स्वभाव है कि मुझे भगवान की सेवा करना है। तो वो जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि जब मंदिर में कोई आता है तो उस समय किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए वैष्णवों में आपस में, कि कोई बहुत पढ़ा लिखा वैष्णव है या कोई पढ़ा लिखा वैष्णव नहीं है, कोई बहुत धनी वैष्णव है, है ना, कोई किसी के पास इतना धन नहीं है, किसी की सामाजिक स्थिति एक दूसरी है, किसी की सामाजिक स्थिति अलग है। तो ये सब एक्सटर्नल डेजिग्नेशन है, ये बाहरी उपाधियां हैं। तो इन बाहरी उपाधियों को बाहरी छोड़कर हमको मंदिर में आना चाहिए, तब हम मंदिर आने का पूरा लाभ ले पाएंगे।
तब हम भगवान की अच्छे से सेवा कर पाएंगे। अगर हमने अपने ऊपर उपाधि लगाई है और उस उपाधि के कारण फिर समस्या हो रही, जैसे कोई बोल सकता है मैं तो ब्राह्मण कुल से हूँ, मुझे एक विशेष प्रेफरेंस, विशेष प्रेफरेंस, विशेष सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, है ना, या मैं मतलब क्योंकि मेरे समाज में बहुत पूछा जाता है तो मंदिर में मुझे बहुत पूछा जाना चाहिए, है ना। तो बाहरी उपाधि लेकर अगर हम मंदिर में आएंगे, जैसे राजा भी है, राजा भी अगर मंदिर आ रहा है, जैसे हम अम्बरीश महाराज के देखते हैं, तो अम्बरीश महाराज जब मंदिर जा रहे हैं तो एक साधारण व्यक्ति की तरह वहाँ सेवा कर रहे हैं, वहाँ पता भी नहीं चल रहा है कि राजा है। जैसे प्रजा सेवा करती है, अलग अलग प्रजा है वो सेवा करती है, उसी तरह से राजा अम्बरीश भी वहाँ पर सेवा कर रहे हैं। तो ये भक्तों के परिवेश में, हम फेस्टिवल में अलग अलग सिस्टम बनाते हैं कि बाहर के लोग आएंगे उनको स्पेशल बैठाया जाएगा, वो अलग है, वो एक प्रचार के लिए उनको सुविधा दी जाती। लेकिन जो कम से कम भक्ति क्षेत्र में आ चुके हैं, जो भक्ति को समझ गए हैं, फिर उनमें इस तरह से कोई ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मंदिर में कोई भी पालकी में, वाहन में जूते चप्पल पहनकर, है ना, और अपनी कोई सामर्थ्य में, पात्रता में, सामाजिक स्थिति में कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, उसको ये सारी वृत्ति को त्याग कर एक भगवान के तुच्छ सेवक की तरह सेवा करने के लिए यहाँ पर आना चाहिए। ये उसकी आंतरिक भावना होनी चाहिए, विनम्रता, हम्बलनेस। बहुत सारी समस्याएं तो हम विनम्र होने से ही चली जाती हैं। अगर हम विनम्र हैं तो बहुत सारी समस्याएं वैसे ही निकल जाएंगी, क्योंकि हम विनम्र नहीं होते हैं इसीलिए बहुत सारी समस्याएं वो आ जाती हैं। तो ये हमारा आंतरिक भावना होना चाहिए। फिर आगे है प्रणाम पद्धति, किस तरह से प्रणाम किया जाता है। तो दो तरह के प्रणाम होते हैं, एक होता है अष्टांग प्रणाम और एक होता है पंचांग प्रणाम, है ना। जो पुरुष भक्त हैं वो अष्टांग भी कर सकते हैं और पंचांग दोनों कर सकते हैं। जो माताएं हैं वो पंचांग, केवल पंचांग प्रणाम ही करते हैं। तो अष्टांग मतलब आठ अंग। तो आठ अंग क्या हैं? पैर, दो पैर यहाँ बताया जा रहा है, दो घुटने, छाती, दो हाथ और मन, मस्तिष्क, मन। दो पैर, दो घुटने, छाती, दो हाथ और मन। तो बहुत सारे, कभी कभी हम अष्टांग प्रणाम करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। कभी कोई जप माला ऐसे रख के प्रणाम करते हैं, एक हाथ आगे होता है, एक हाथ पीछे होता है, ऐसे ऑब्जर्व किया होगा अगर, है ना। या जब 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 बैग में हाथ है तो जब बैग में हाथ करते हुए ऐसे प्रणाम करते हैं, उसके भी ड्रामा किया जा सकता है कि कैसे अलग अलग गलतियां होती हैं प्रणाम करते समय। तो पूरा, है ना, हाथ जो है हमारे जमीन को स्पर्श होना चाहिए, माथा जो है वो जमीन को स्पर्श होना चाहिए, है ना। तो अगर मन वहाँ पर नहीं है, प्रणाम करते समय मन नहीं है, तो वो अष्टांग प्रणाम नहीं हुआ, क्योंकि अष्टांग में एक भाग क्या आया, वो मन भी शामिल है। तो मन भी वहाँ होना चाहिए। जब प्रभुपाद जी को प्रणाम कर रहे हैं, नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी तीना, तो मैं प्रभुपाद जी को प्रणाम कर रहा हूँ, तो कभी कभी इतना फटाफट होता है, इतना जल्दी जल्दी होता है कि पता नहीं चलता किनको प्रणाम किया। प्रणाम किया उड़ गए, प्रणाम किया उड़ गए। खासकर जब धाम में जाते हैं तो बार बार मंदिरों में प्रणाम करना होता है, तो कभी कभी, है ना, वो ऊब भी जाते हैं, थक जाते हैं, कितनी बार प्रणाम करेंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हाथ पूर्ण रूप से मस्तक के आगे होना चाहिए, है ना। तो जैसे सिर है तो उसके पूरे आगे हाथ होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे अलग अलग तरह से गलत प्रणाम होता है। पंचांग प्रणाम में क्या है, दोनों घुटने, दोनों हाथ और मन, मस्तिष्क, सिर, उसके द्वारा प्रणाम होगा।
जब भी हम प्रणाम कर रहे हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम कर रहे हैं, तो जो आश्रित भक्त हैं, दीक्षित भक्त हैं, वो अपने गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र पहले बोलेंगे। और जब प्रणाम मंत्र बोला जा रहा है तो उसको मन में नहीं बोलना है, उसका उच्चारण करना है, उसका उच्चारण करना है। बहुत जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो ध्वनि कम से कम हमें सुनाई दे, इस तरह से हमको प्रणाम करना है ना। कई बार जब महाराज दीक्षा देते हैं तो उस समय बहुत विशेष रूप से अन्य जो भक्त बताते हैं कि जब आप प्रणाम करने आए, डीटीज को प्रणाम करने आए या महाराज को प्रणाम करने आए, तो प्रणाम मंत्र क्या होना चाहिए, उच्च उच्चारण होना चाहिए, है ना। नमा ओम विष्णु पादाय कृष्ण, मन में नहीं बोलना है, वो उच्चारण उसका होना चाहिए। ओके किस किस स्थिति में भगवान को प्रणाम नहीं किया जाता, किस किस अवस्था में प्रणाम नहीं किया जाता। जब भगवान के पट बंद हैं तब प्रणाम नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम आए यहाँ पर सेवा करने के लिए, 1 से 4 के बीच में आते हैं, उस समय पट बंद हैं, तो उस समय प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब हम प्रणाम करते हैं तो भगवान का ध्यान किस पे आता है, जो प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान उस समय क्या कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, 1 से 4 जो समय है उसमें विश्राम कर रहे हैं। तो उस समय पट में प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर जब भगवान का अभिषेकम चल रहा है, जैसे सुबह अभिषेक, अभी ड्यूटीज आएंगे तो अभिषेकम होगा, जब भगवान का अंदर श्रृंगार चल रहा है, तो मान लीजिए कोई भक्त सुबह 6 बजे आए मंदिर, उस समय पट बंद है, अंदर श्रृंगार चल रहा है या अंदर अभिषेकम चल रहा है, तो उस समय भगवान को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, वो डिस्टर्ब होगा, है ना। जैसे हम भक्तों में भी आएंगे, जैसे मान लीजिए कोई 2 भक्त आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो कभी कभी वहाँ हम रुक के भी प्रणाम कर सकते हैं, नहीं तो क्या होता है, वो बातचीत टूट जाती है। उसी तरह से भगवान का क्या चल रहा है, श्रृंगार चल रहा है, भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं, तो उस समय प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। और जब मंदिर के पट बंद हैं, अभिषेकम हो रहा है, श्रृंगार हो रहा है, उस समय मंदिर की प्रदक्षिणा भी नहीं करना चाहिए। उस समय कभी कभी होता है कि हम घूम घूम के मंदिर की प्रदक्षिणा में जप करते हैं, प्रदक्षिणा भी कर रहे हैं, मतलब भगवान का ध्यान हमारे ऊपर आ रहा है, तो भगवान अभी अपने दूसरे कार्य में व्यस्त हैं, श्रृंगार में व्यस्त हैं। जब भोग लगता है तो भी प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए भोग के समय, मतलब जब भगवान व्यस्त हैं, जब पट खोले हुए हैं, मतलब भगवान अभी सामने हैं, भगवान दर्शन देने के लिए तैयार, भगवान हमको देख रहे हैं, उस समय हम ग्लोरीफिकेशन करें भगवान का, प्रार्थना ही करें, कीर्तन करें, कुछ भी परिक्रमा करें, प्रणाम करें, भगवान पूरा हमें ही देख रहे हैं। लेकिन जब पट बंद है तो भगवान के अपना निजी एक्टिविटीज चल रही हैं, तो उस समय प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर जब भी, जितनी बार भी मंदिर के कक्ष में आए, जितनी बार भी आए, दिन में मान लीजिए फेस्टिवल में सेवा करने के लिए आते हैं और बार बार मंदिर कक्ष में हमको जाना है, तो जितनी बार जाएंगे उतनी बार प्रणाम करना है, जितनी बार जाएं उतनी बार प्रणाम करना। ऐसा नहीं कि जब सुबह हम आए हैं उस समय हमने प्रणाम किया, अभी हम सेवा के लिए चले गए और सेवा के बीच में कुछ काम आया कि टेम्पल हॉल से कुछ हमें लेके आना, तो जब भी टेम्पल हॉल में जाएंगे तब प्रणाम करेंगे। पुरुष भक्त हैं तो पूरा अष्टांग प्रणाम करेंगे, पंचांग प्रणाम कर सकते हैं, माताएं हैं वो पंचांग प्रणाम करें। लेकिन जैसे बताया जाता है कि जब गुरु की सेवा करते हैं तो गुरु के कक्ष में जब प्रवेश करते हैं तो प्रणाम करते हैं, गुरु के कक्ष से जब निकलते हैं तो प्रणाम करते हुए निकलते हैं। जितनी बार गुरु के कक्ष में जाएंगे उतनी बार प्रणाम करेंगे। एक प्रभुपाद जी का मेमोरीज आता है कि प्रभुपाद जी के पर्सनल सर्वेंट थे, तो पर्सनल सर्वेंट मतलब फेमिलियरिटी थोड़ी अधिक हो जाती है, तो 1-2 बार ऐसा हुआ कि जब वो बाहर निकले तो प्रणाम नहीं किया उन्होंने, जल्दबाजी में या कुछ सामान लाना था, तो प्रभुपाद जी ने अन्य भक्त के द्वारा बताया कि इनको आप बताइए जब भी ये बाहर निकले तो प्रणाम करें, हमेशा एक है ना वो एक
मतलब फैमिलरिटी में जो सम्मान देना है, गुरु को सम्मान देना है, ये भगवान को जो सम्मान देना है वो भूल ना जाए। इसीलिए जो पुजारी होते हैं जो यह भोग लगाते हैं, उनको भी बार बार अपने आप को स्मरण दिलाना होता है, क्योंकि भगवान के बहुत नज़दीक रह के सेवा कर रहे हैं, तो फैमिलरिटी नहीं आ जाए। वो भी अगर टेम्पल हॉल में जितनी बार भी आ रहे हैं, वो भगवान को प्रणाम करना जरूरी है, करना ही होगा, है ना। फिर अलग अलग प्रणाम मंत्र होते हैं। शिल प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है। फिर अगर हमको प्रणाम मंत्र नहीं पता, मान लीजिए हमको कोई प्रणाम मंत्र नहीं पता, तो स्टैंडर्ड प्रणाम मंत्र है, वंदे हम श्री गुरु श्री उत्पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगर रघुनाथान्वितम सचिवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादा सहगर ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। इसमें सभी आ गए, गुरु आ गए हैं, षड गोस्वामी आ गए हैं, चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं, नित्यानंद प्रभु आ गए, राधा कृष्ण आ गए, ललिता विशाखा सखी सब आ गए इस प्रणाम मंत्र में। अलग अलग डीटीज के भी प्रणाम मंत्र होते हैं, लेकिन अगर हमको प्रणाम मंत्र नहीं पता है तो ये कम से कम याद कर लें, और जब भी मंदिर आए तो इसी प्रणाम मंत्र से हम प्रणाम करें वहाँ पर, है ना। ओके, फिर इसमें प्रश्न आता है कि जैसे माताएं हैं तो जब टेंपल हॉल में जाते हैं तो उस साइड होते हैं, है ना, टेंपल हॉल के राइट कॉर्नर में होते हैं, तो उनको कैसे प्रणाम करना है, है ना। वो भगवान को अपने लेफ्ट साइड में रख के प्रणाम करें या सीधे प्रणाम करें, है ना। तो अगर टेंपल हॉल में कोई नहीं है, कोई सभा नहीं है, कोई प्रवचन नहीं है, तो जैसे स्टैंडर्ड प्रणाम होता है कि श्रील प्रभुपाद जी लेफ्ट साइड में हैं, भगवान लेफ्ट साइड में है, उस तरह से प्रणाम करना है, चाहे पुरुष हों या माताएं हों। जब सभा चल रही है, प्रवचन चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, तो अपने वहाँ पर, है ना, राइट हैंड्स पे कोने में जाकर जैसे हम प्रणाम करते हैं, सीधे भी प्रणाम किया जा सकता है। उसमें आवश्यक नहीं है कि हम भगवान को या प्रभुपाद जी को लेफ्ट साइड में रखें और उसके बाद हम प्रणाम करें, वो सीधे प्रणाम भी किया जा सकता है ना, उसमें कोई समस्या नहीं है। फिर आगे बताया जा रहा है, इसमें बीच में पॉइंट आ गया, ये दोबारा आएगा, जब हम वैष्णवों से मिलते हैं, है ना, तो हमें उस समय हमें प्रणाम करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि जब ब्रह्मचारी भक्तों से मिले तभी प्रणाम होगा, जब दो गृहस्थ भक्त आपस में मिल रहे हैं तो भी आपस में प्रणाम होना चाहिए, दो माताजी बहुत समय के बाद आपस में मिल रहे हैं तो भी आपस में प्रणाम होना चाहिए, ये सदाचार का भाग है। ऐसा नहीं कि जो गृहस्थ भक्त हैं कि वह ब्रह्मचारी उनको ही प्रणाम करें, ऐसा नहीं है। एक गृहस्थ भक्त दूसरे गृहस्थ भक्त से मिले तो प्रणाम होना चाहिए, एक माताजी दूसरे माताजी से मिले तो प्रणाम होना चाहिए, वो वैष्णव कल्चर है ना। किन विशेष परिस्थिति में वैष्णवों को प्रणाम नहीं करना चाहिए, किन विशेष परिस्थिति में वैष्णव को प्रणाम नहीं करना, तो उसमें बता रहे हैं कि अगर वैष्णव प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, अगर बैठे हुए हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो उस समय प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, प्रणाम होगा तो आदान प्रदान भी होगा, वो तो प्रणाम नहीं कर पाएंगे, वो तो प्रसाद दे रहे हैं, तो एक एम्बेरेसिंग जैसा हो जाएगा, मतलब कि कोई सामने से प्रणाम कर रहे हैं, मैं प्रणाम नहीं कर रहा, मैं इतना सीनियर हो गया कि मैं मुझे प्रणाम नहीं करना, ऐसा नहीं है। तो बेटर है प्रसाद ले रहे हैं तो उस समय प्रणाम नहीं करना। कोई हाथ में भारी चीज़ लिए हुए हैं, मान लीजिए दो भक्त सिलेंडर लेके आ रहे हैं और हम प्रणाम कर रहे हैं, तो रुक जाएं थोड़ा सा, सेवा पूरी हो जाए, बाल्टी रखी है रख जाए, उसके बाद प्रणाम करें। अच्छा उत्सुक होना, देखते साथ प्रणाम करना अच्छी भावना है, लेकिन थोड़ा सा व्यवहारिकता भी देखना है कि किस समय प्रणाम करना। इसे बताएं, फूल तोड़ रहे हैं, फूल ला रहे हैं भगवान के लिए, उस समय प्रणाम करेंगे तो क्या होगा, फूल गिर सकते हैं, फूल भूमि में लग सकते हैं, तो भगवान की जो सेवा होना है वो खराब हो जाएगी। तो ऐसे विशेष परिस्थिति में प्रणाम ना करें।
और जब योग्य परिस्थिति बन जाए उस समय फिर हम प्रणाम हम कर सकते हैं, है ना। उस समय हम मानस ऐसी कठिन परिस्थिति है तो मानसिक रूप से प्रणाम किया जा सकता है और उसके बाद फिर पंचांग प्रणाम हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रणाम की पद्धति है। फिर लेफ्ट साइड क्यों करते हैं, कई लोग पूछते हैं कि इस्कॉन में आके ही देखते हैं लेफ्ट साइड कुछ नया ही निकल गया यहाँ पर। तो लेफ्ट साइड है ना, तो उसमें कई कारण हैं। जैसे बताया जाता है कि भगवान के सामने हमेशा देवी देवतागण होते हैं जो भगवान के दर्शन ले रहे होते हैं, हमेशा भगवान के दर्शन वो ले रहे हैं। गरुड़ जी खड़े हुए हैं, हनुमान जी हैं, हमेशा सेवा के लिए तैयार हैं। इसीलिए भगवान को जब प्रणाम किया जाता है तो भगवान लेफ्ट हैंड पे होना चाहिए, इस तरह से प्रणाम किया जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम किया जाता है तो भी लेफ्ट हैंड पे किया जाता है, ऐसा बताया जाता है जैसे हृदय है ना। तो हृदय जो होना चाहिए वो गुरु और कृष्ण के लिए है, तो कृष्ण की तरफ हृदय है और श्रील प्रभुपाद जी की तरफ हृदय है, इसीलिए वो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड पर प्रणाम किया जाता है। अगर कोई विशेष परिस्थिति जैसे टेम्पल हॉल में बहुत भीड़ है, अभी सभी लेफ्ट हैंड सभी एक तरफ जाकर लेफ्ट साइड पर भगवान को रखते हुए प्रणाम नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, कोई लेफ्ट से कर रहे हैं कोई राइट से कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए फेस्टिवल है, फेस्टिवल में टेम्पल हॉल पूरा भरा हुआ है तो अभी सभी भक्त एक साइड जाएंगे और एक साथ प्रणाम करेंगे वो नहीं हो पाएगा, तो उसमें चाहे वो लेफ्ट साइड पर हो या राइट साइड पर हो कैसे भी प्रणाम किया जा सकता है, उसमें समस्या नहीं है। और जब देवी देवताओं के मंदिर जाते हैं है ना, तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि राइट हैंड से प्रणाम किया जाता है ना। जैसे हम जा रहे हैं कोई दुर्गा देवी के मंदिर, कोई हम धाम गए हैं वहाँ पे कोई शक्तिपीठ है या शिव जी का मंदिर है वहाँ पे हम जा रहे हैं, तो राइट हैंड साइड पर वो डेमी गॉड्स होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पर भगवान और गुरु और राइट हैंड साइड पर देवी देवता। वो एक अंतर डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इसका कोई विशेष ऐसे बताया नहीं है लेकिन जहाँ तक मेरी समझ जाती है। ओके, जो भी प्रश्न आ रहे हैं आप लोगों के बीच में आएंगे तो उसको नोट करते जाइए, एक साथ लास्ट में लेंगे। तो जब मंदिर कक्ष मंदिर के हॉल में प्रवेश करेंगे तो मंदिर का जो प्रवेश द्वार है सबसे पहले वहाँ पर प्रणाम करना है, जहाँ मंदिर का प्रवेश द्वार है वहाँ हमको प्रणाम करना है। और क्या बोलना है, वांछा कल्प तरुभ्यस्य कृपा सिंधु ए विचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमः। तो टेम्पल हॉल में डायरेक्ट प्रवेश करके प्रभुपाद जी को प्रणाम करना वो सही पद्धति नहीं है। दिन में एक बार, पहली बार जब मंदिर आ रहे हैं तो सबसे पहले मंदिर के प्रवेश पर प्रणाम होना चाहिए। उससे हम क्या कर रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी से पहले जितने भी वैष्णव सब उपस्थित हैं वहाँ पर, या देवी देवता जो दर्शन करने आए हैं वैष्णव हैं, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। तो मंदिर कक्ष में हॉल में प्रवेश करते समय पहले वहाँ पर प्रणाम करना है और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलना है, फिर श्रील प्रभुपाद जी के पास प्रणाम करने जाना है ना। फिर इसमें लिखा है तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद जी को बाएं अंग की ओर रखते हुए दंडवत प्रणाम करें या पंचांग प्रणाम करें। ओके, फिर एक हाथ से प्रणाम करना निषिद्ध है, सभी को ध्यान रखना चाहिए एक हाथ से। कोई बच्चा होता है तो उसे करवा के दिखाते कैसे, वो कैसे हमसे गलतियां होती हैं कि जैसे भीड़ बैग है नहीं का, तो ये बीड बैग है, कोई ऐसे रखे हुए हैं तो कोई ऐसे करके ऐसे प्रणाम करते होता है कि माला वो बीच में छूट जाएगी है ना। तो यहाँ तक कि ये भी अच्छा हैबिट होगा कि जब प्रणाम करें तो बीड बैग को हम साइड में रख दें, जिससे दोनों हाथ क्या होंगे पूरी तरह से स्पर्श होंगे। वो ऐसा होता है जल्दीबाजी में हैबिट बन जाती है कि
और बीड बैग के अंदर हाथ डाल के तो प्रणाम बिल्कुल नहीं करते, है ना। ऐसे प्रणाम नहीं करना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। प्रणाम का भी अपमान हो रहा है और बीड्स का भी अपमान हो रहा है, दोनों का हो रहा है। मतलब इतने व्यस्त हो गए कि इसको ऐसे करके इसको साइड में रख के और फिर अपना प्रणाम करना और फिर वहीं से लेके अपना वहाँ पर चालू कर सकते। तो ये विशेष तो ये प्रणाम से संबंधित कुछ विषय थे। ओके, अभी उस भावना से हम प्रवेश किए, हमने मंदिर में वैष्णवों को प्रणाम किया, प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया, है ना। अभी अर्चा विग्रह पर ध्यान, किस तरह से अर्चा विग्रह पर ध्यान होगा, है ना। तो यहाँ बताए जा रहे हैं, मंदिर में अर्चा विग्रह अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आसीन रहते हैं, है ना। वे हमारे संप्रदाय के इष्ट देव हैं, इसीलिए हमें सर्वप्रथम अत्यंत आदरपूर्वक उनका दर्शन करना चाहिए। भगवान के समक्ष एक ओर से दर्शन करें जिससे सामने बैठे भक्तों को भगवान के दर्शन करने में कोई बाधा ना हो। एकदम बीच में खड़े हो गए, अब भगवान का विशेष भक्त आ गया तो सबसे बीच में खड़ा हुआ, तो पीछे वालों को दर्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उसको देखते हुए साइड से जो रेलिंग है, रेलिंग के साइड से भी दर्शन कर सकते हैं। जब कोई नहीं है टेंपल हॉल में तो बीच से भी दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान के दर्शन इस तरह से करें कि पीछे बैठे भक्तों को दर्शन करने में बाधा ना हो। फिर विग्रहों को, जब विग्रहों को हम सबसे पहले दर्शन करते हैं तो तुरंत प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के पश्चात जब उठते हैं तो कुछ प्रार्थनाएं करें, कुछ हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं, सिंपल कुछ प्रार्थनाएं कर सकते। प्रार्थना नहीं है तो हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र भी भगवान का गुणगान भी है और भगवान के लिए प्रार्थना है कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए, है ना। तो कुछ ना कुछ हम भगवान से वहाँ प्रार्थना कर सकते हैं। एक जड़ जड़ की तरह नहीं करें, जड़ की तरह प्रणाम न करें। जाए एक मैकेनिकल होता है ना, गए यहाँ प्रणाम किया, गए वहाँ प्रणाम किया और फिर निकल आए। भगवान एक पर्सन है, भगवान एक व्यक्ति है, भगवान हमसे आदान प्रदान करने के लिए तैयार है, वो इसीलिए वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कुछ प्रार्थनाएं करें, कुछ हम वैष्णव गीत याद कर सकते हैं, वो वैष्णव गीत वहाँ बोल सकते हैं, या कुछ हम वैसे ही कुछ वाक्य बोल सकते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ हम भगवान से प्रार्थना करें, सेवा के लिए याचना करें, जो भगवान को पसंद है उस तरह से हम याचना कर सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जब भगवान के दर्शन करें तो सीधे भगवान के मुखमंडल का दर्शन न करें। भगवान का दर्शन कहाँ से करें, नीचे से प्रारंभ करें। तो सबसे पहले गुरु परंपरा है, उनके दर्शन करें। नरसिंह भगवान हैं, पंचतत्व हैं, उनके दर्शन करें। फिर भगवान के चरण हैं, है ना, घुटने हैं, है ना, वक्ष स्थल है, मुख है, इस तरह से भगवान के क्रमशः दर्शन करें। तो प्रभुपाद जी दूसरे स्कंद के एक तात्पर्य में यहाँ पर बता रहे हैं कि दर्शन करने की पद्धति बता रहे हैं और उसकी तुलना कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से, कि जिस तरह से भगवान के दर्शन चरण से चालू किए जाते हैं उसी तरह से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन क्या है, प्रथम और द्वितीय स्कंद से किया जाता है और क्रमशः धीरे 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 आगे बढ़ते हुए दसम स्कंद पे पहुँचते हैं। और दसम स्कंद क्या है, भगवान का मुख है। तो डायरेक्ट दसम स्कंद पे नहीं जा सकते हैं, डायरेक्ट भगवान के मुख पे नहीं जा सकते हैं, इसीलिए क्रमशः दर्शन किए जाते हैं। तो ये आदत पर है, धीरे धीरे हम आदत डालेंगे तो ये अपने आप हैबिट में आ जाएगा। फिर यहाँ बताया जा रहा है, ओके, फिर जब हमने दर्शन किया, दर्शन करने के बाद जब हम मंदिर कक्ष में बैठे हुए हैं तो उस समय क्या क्या ध्यान रखना, जब मंदिर कक्ष में बैठे हुए हैं
तो क्या ध्यान रखना है? विग्रहों के सामने पैर फैलाकर नहीं बैठना है, अगर दर्द है तो हम किसी का सहारा लेकर बैठ सकते हैं, बेंच पे बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, लेकिन पैरों को फैलाकर विग्रहों की तरह पैर हों उस तरह से नहीं बैठना। फिर बताया जा रहा है कि भगवान को, प्रभुपाद जी को कभी भी पीठ करके नहीं बैठना। हमारी पीठ भगवान की तरफ हो या हमारी पीठ श्रील प्रभुपाद जी की तरफ हो, ऐसे कभी नहीं बैठना। पैर ढके होना चाहिए, इसीलिए वैदिक ड्रेस है, धोती कुर्ता है, इसमें अपने आप पैर ढके होंगे। तो जब भगवान के सामने बैठे हैं तो पैर पूरे ढके होना चाहिए, पैर भगवान की तरफ नहीं होना चाहिए, पीठ भगवान की तरफ नहीं होना चाहिए। तो ये सब नियम क्यों हैं? क्योंकि हम भगवान की सेवा कैसे कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण की तरह कर रहे हैं, राजा हैं, तो राजा के सामने ऐसी कोई फुर्सत में बैठता ऐसे नहीं बैठता है ना। राजा के सामने बैठता है तो बहुत बहुत ध्यान रखता है ना, थोड़ा भी कुछ इधर उधर गलती हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि भगवान ऐसा नहीं करेंगे कि पूरा हमारा अपराध ले लेंगे, कोई मंदिर आ रहा है दर्शन कर रहा है वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर प्रगति करना है, धीरे धीरे प्रगति करना है, तो ये आचरण में ये सब चीज़ें आनी चाहिए। फिर पैरों को पकड़ के भगवान के सामने नहीं बैठना, ऐसे पैर हैं तो पैरों को पकड़ के ऐसे 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 कुछ कुछ करते रहते हैं, ऐसे ऐसे पैर उंगली को मरोड़ते रहते हैं ऐसे, तो भगवान के सामने तलवों को स्पर्श नहीं करना है। अगर तलवों को स्पर्श कर लिया तो हाथ धो के आना है। फिर अभी वो आएगा सुचि मुचि के नियम में आएगा कि अगर टेंपल हॉल में बैठे हैं और हमारा हाथ तलवे में चला गया ऐसे, तो हाथ धो के आना तुरंत। तो पहले तो पैर ही खुले नहीं होना चाहिए, पैर ही भगवान की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस पैर टच हो गया तो फिर हमें हाथ धो के आना होगा। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट है लेकिन मुश्किल होता है पालन करना, अर्चा विग्रह के समक्ष झपकी ना लें। ना ही सोए, तो एक सोने का मंत्र है, एक सोने का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसी कक्षा चालू होती है वैसे निद्रा देवी आ जाती है। और जागने का मंत्र क्या है? शरीर अविद्या जाल जड़ेन्द्रिय तहाय पर। तो शयन और जागरण के ही मंत्र हैं। ऐसा होता है जैसे ही क्लास चालू होती है वैसे ही नींद आना चालू होती है। तो बताया गया कि भगवान अर्चा विग्रह के सामने झपकी नहीं लेना है, उठ जाओ वहाँ से, साइड में खड़े हो जाओ, लेकिन झपकी या सोना नहीं है। और यहाँ भी बताया गया है कि तुलसी महारानी की तरफ भी पीठ नहीं होना चाहिए। फिर इसमें एक दूसरा है कि कभी कभी मंदिर की संरचना के कारण सब पालन करना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन कम से कम विग्रह, श्री विग्रह और शिला प्रभुपाद उनकी तरफ तो पीठ नहीं होना चाहिए। तो ये मंदिर हॉल में बैठना है। फिर क्या करना है? मंदिर हॉल में जोर से बात नहीं करना है, तेज तेज आवाज में बात करना टेंपल हॉल में वो अच्छा नहीं है। झगड़ा नहीं करना है, टेंपल हॉल से बाहर निकल के झगड़ा कर लीजिए, कम से कम टेंपल हॉल में मत कीजिए। किसी की निंदा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, अवहेलना नहीं करना है भक्तों को आपस में। जोर से क्यों नहीं बोलना है? सिंपल है, राजा खड़े हैं, कैसे जोर से बात करेंगे, नहीं कर सकते है ना। अभी राजा क्या है, वो सेंट्रल है, जैसे सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत की तरफ चारों चीज़ें घूमती हैं, तो सेंटर है भगवान, तो हम बोलेंगे कैसे, बैठेंगे कैसे, कार्य कैसे करेंगे, उसमें चेतना में क्या है, कैसे भगवान के लिए करना है, भगवान ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस तरह से हमें सोचना है। ओके, प्रजल्प नहीं करना है टेंपल हॉल में है ना,
ऐसी मजाक नहीं करना है, व्यर्थ की बातें नहीं करना है, असत्य वचन नहीं बोलना है, है ना, दूसरों की स्तुति नहीं करना है, देवी देवताओं की निंदा नहीं करना है, है ना। अभी ये किसकी बात हो रही है, देवी देवताओं की निंदा हम कभी नहीं करते। देवी देवता के जो उपासक हैं, जो गलत तरह से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। वास्तव में किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं होना चाहिए, एक साधारण जीव की भी निंदा नहीं होना चाहिए, है ना। तो फिर यहाँ बताया गया है कि अगर कोई अतिथि आते हैं या कोई भक्त आते हैं और प्रचार करने के लिए उनको टेम्पल हॉल में लेके आए हैं, तो हम बात करते ही हैं, तो बातचीत होती है। और हो सकता कभी हमें थोड़ा जोर से बोलना पड़े, तेज आवाज़ में बोलना पड़े, तो वो अलाउ है, क्योंकि अभी हम प्रचार के लिए कर रहे हैं। लेकिन अपनी जब सेवाओं में हैं या साथ में समूह में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, प्रवचन के समय नहीं, जब ऐसे बैठे हुए हैं तब जोर से बातचीत नहीं करना है, क्योंकि भगवान को क्या होगा, वो डिस्टर्ब होगा। अभी ये नियम समझ के ऐसा नहीं है, जैसे एक बार एक लेक्चर में सुन रहा था तो उसमें सहनशीलता के बारे में चर्चा हो रही थी वैष्णव एटिकेट्स में, तो सहनशीलता के बारे में काफ़ी बताया, एक घंटे समझाया। तो उस लेक्चर में एक भक्त की कहानी दूसरे भक्त में लग गई, तो भक्त बोलने का तुमको समझ में नहीं आता है, सहनशीलता पे लेक्चर चल रहा है और कैसे बैठे हुए हो, अच्छे से बैठना चाहिए, बैठना भी नहीं सीखा, सहनशीलता पे लेक्चर में सुन रहा हूँ, तो उसका क्या मतलब हुआ लेक्चर सुनने का, कोई मतलब है उसका, कुछ मतलब नहीं है। तो अभी मान लीजिए कोई टेम्पल हॉल में बात कर रहा है, उसको पता नहीं है, और हम ही चिल्ला के बोल रहे हैं चुप हो जाओ या बात मत करो, भगवान है, और खुद हम चिल्ला के बोल रहे हैं, तो ये वैष्णव सदाचार जो हमने सीखा है उसका गलत उपयोग हो गया। अभी किसी ने सीख लिया कि अर्चक वगैरह के सामने तेज आवाज़ में नहीं बोलना है, कोई तेज आवाज़ में बोल रहा है तो उससे तेज आवाज़ में हम बोल के उसे चुप करा रहे हैं, क्योंकि हमें उसको वैष्णव एटिकेट सिखाना है, लेकिन हम खुद ही पालन नहीं कर रहे हैं, हम क्या पालन कर रहे हैं। तो इसीलिए इसमें ध्यान रखना है कैसे व्यक्तिगत रूप से पालन करना है और कैसे दूसरों को सिखाना है। ऐसा नहीं हो कि सारे नियम जानने के बाद दूसरों को सिखाना चालू कर दें, संडे प्रोग्राम में ऐसे प्रणाम करो, यहाँ पैसे जाओ, ये सब नहीं, पहले व्यक्तिगत रूप से कर लें, टीचर बाद में बने। तो ये प्रणाम हुआ, बैठने के नियम हुए, कौन सा प्रणाम मंत्र है, क्या व्यवहार होना है उसके बारे में बताया गया। ओके, अगला आता है वस्त्र और वेशभूषा। जब मंदिर आ रहे हैं तो क्या वस्त्र और वेशभूषा होनी चाहिए, तो यहाँ बता रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर एक गीत में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को जो वस्त्र अच्छे लगते हैं वो वस्त्र धारण करके मैं उनके सामने जाऊँगा, चैतन्य महाप्रभु को जो वस्त्र अच्छे लगते हैं वो होगा। तो जो गंभीरता से पालन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जब भी मंदिर आए वो वैष्णव परिधान में ही आए, है ना। या घर से निकलते समय कुछ समस्या है, कोई देख लेगा धोती कुर्ते में, होता है अलग अलग समस्या होती, तो धोती कुर्ता साथ में लेके, यहाँ पर बदला जा सकता, लेकिन धोती कुर्ता और साड़ी उसमें ही मंदिर में आए, है ना। क्योंकि प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया कि वैष्णव को कैसे पहचान सकते हैं, तो प्रभुपाद जी ने एक बार बोला आप देख के समझ सकते हैं कौन वैष्णव है कौन वैष्णव नहीं है, आप देख के बता सकते हैं। तो इसीलिए जब भी मंदिर आए, कितने भी बिजी हों कुछ भी हों, लेकिन वैष्णव परिधान ही होना चाहिए, है ना, वो यूनिफॉर्म है, ड्रेस कोड है टेम्पल का, जो भगवान को अच्छा लगता है। बताया जा रहा है कि प्रातःकालीन कार्यक्रम, रविवारी कार्यक्रम और उत्सवों में जब भक्त लोग आते हैं तो उनको वैष्णव परिधान में आना चाहिए। पुरुष भक्त हैं धोती कुर्ता, माताएं हैं साड़ी, और सिर ढका होना चाहिए। तो जो ड्रेस है उससे हमारी मानसिकता पता चलती है,
ड्रेस, जैसी हम ड्रेस पहनते हैं उससे कुछ हद तक पता चलता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। अब देखिए, जो वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं, वेस्टर्न ड्रेस बाहर पहनी जा रही है, तो वेस्टर्न ड्रेस पहनने की प्रति औचित्य क्या है उसका? देहात्म बुद्धि को बढ़ाना, अपनी शारीरिक बुद्धि को बढ़ाना, है ना, शरीर को ऐसे एक्सपोज करना, तो वो सब परिधान, हर तरह के परिधान एक विशेष सोच से बनाए जाते हैं। कोई परिधान है, चाहे वो पैंट शर्ट हो, चाहे वो वेस्टर्न ड्रेस हो, चाहे वो पुरुषों के लिए हो, चाहे माताओं के लिए हो, तो अगर वो ड्रेस है तो उसके पीछे वो उसको बनाने के पीछे उसका कारण निहित है कि ये ड्रेस क्यों बनाई गई है ना। उस ड्रेस से हम क्या फॉलो करते हैं वो कुछ दिखाई देगा। अगर धोती कुर्ता पहने हैं तो वो दिखाई देगा कि हमारे जीवन में हम क्या फॉलो करते हैं। अगर हम जीन्स टी शर्ट पहने हुए हैं तो उससे पता चलेगा कि हम क्या फॉलो करते हैं, है ना। तो इसीलिए ये कल्चर, ये संस्कृति का ही पॉइंट है, वस्त्र और वेशभूषा कि संस्कृति जो है। एक बार परम पूज्य भक्ति विकास महाराज एक किसी यूनिवर्सिटी में प्रवचन देने गए और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वहाँ पर और बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी था वो। तो उस यूनिवर्सिटी, जनरली सारी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही होता है, वहाँ पे क्या था, जो स्पीकर था वो स्टेज पर था, स्पीकर जो स्टेज पर थे और बैठने वाले ऊपर थे ऐसे ऐसे। तो स्टूडेंट्स क्या हैं, ऊपर बैठे हुए हैं और टीचर क्या हैं, नीचे हैं। ऐसे ही होता है कॉलेज में, तो यही है, बड़े बड़े ऑडिटोरियम में भी ये होता है कि जो स्पीकर होता है, बताने वाला होता है, वो नीचे होता है और जो सीट होती है वो ऊपर होती है। तो महाराज जिस विषय पर प्रवचन देने वाले थे वो पूरा चेंज कर दिया, उस पर प्रवचन ही दिया महाराज ने। प्रवचन दिया, कल्चर कम्स बिफोर एजुकेशन। क्या आपने एजुकेशन तो ले लिया, शिक्षा बहुत ले लिया, लेकिन संस्कृति का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उस शिक्षा से आप अपना नुकसान कर लेंगे, ऐसा हो जाए। तो धोती कुर्ता है या साड़ी है तो उससे हम देख सकते हैं कि वो अपने आप ही एक स्तर पर देहात बुद्धि को कम करता है, एक स्तर पर देहात बुद्धि को वो कम करेगा। और दूसरा क्या है कि जो भारत का जैसा मौसम है, वातावरण है, वहाँ के लिए ये बहुत क्या है, सुटेबल है। जहाँ पर जो वेस्ट है, जहाँ पर सर्दियाँ बहुत पड़ती हैं, 6 महीने बहुत सर्दी है, वहाँ पर ऐसे टाइट कपड़े पहनना है ना, तो वो ठीक है, वहाँ के लोग पहन सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी प्रभुपाद जी ने धोती कुर्ता ही पहना। न्यूयॉर्क में जब प्रभुपाद जी गए प्रारंभ के समय प्रचार किया, तो ऐसा बताते हैं कि पिछले 50 वर्षों में सबसे अधिक सर्दी उस साल पड़ी थी जिस साल प्रभुपाद जी वहाँ पर थे, उस जब न्यूयॉर्क में थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपना ड्रेस चेंज नहीं किया, प्रभुपाद जी धोती कुर्ता में, ऊपर कोट था कुछ ठंड के लिए, बचाने के लिए, नीचे धोती थी। और उससे पहले जब भक्ति सिद्धांत महाराज के समय पर उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को भेजा था और जो वापस आए थे, तो उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड में तो प्रचार नहीं हो सकता है, अगर प्रचार करना है तो आपको उनका पहनावा पहनना होगा, उनकी तरह खाना होगा, उनकी तरह रहन सहन होना पड़ेगा, तब आप उनके बीच प्रचार कर पाओगे, ऐसा उनका निर्णय आया था। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, जब प्रभुपाद जी वहाँ पर गए और जैसे ही शिष्य एक स्तर पर सीरियस होना चालू हुए, प्रभुपाद जी ने तुरंत वैष्णव ड्रेस, तिलक होना चाहिए उसमें ही आना है ना, भगवान को जो प्रिय है उसमें ही आना। ऐसा नहीं कि कोई, हम तो बस हरि नाम ले रहे हैं, भगवद्गीता पढ़ रहे हैं, वही है, ये तो इमेटेरियल है। इस्कॉन में एक मूवमेंट चला है, इस्कॉन के ही बीच में एक ऐसा मूवमेंट है जिसको बोलते हैं कृष्णा वेस्ट, बहुत फेमस है, कोई सर्च करने की या पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, है ना। तो उस कृष्णा वेस्ट में क्या बताया है कि जो कल्चर वाली चीज़ें होती हैं, ड्रेस होती है, तिलक होता है, ये सब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये भगवद्गीता पढ़ो, मंदिर आओ, कैसे कीर्तन किया जाता है, कीर्तन आप रॉक स्टाइल में भी कर सकते हैं, आप मृदंग करताल भी यूज़ नहीं करें तो भी आप कीर्तन कर सकते हैं, मतलब पूरी तरह से
जो संस्कृति है वो वेस्टर्नाइज है, और जो हम पालन कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो भगवद गीता है। ऐसा एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला है। वहाँ पर ऐसा होता है कि अब प्रवचन भी दे रहे हैं तो पैंट शर्ट में प्रवचन दे सकते हैं, टी शर्ट है ना, और ये क्या बोलते हैं उसको, हाफ पैंट है, उसमें बैठे हैं, प्रवचन चल रहा है, क्योंकि ये तो इमटेरियल है। मेन चीज़ तो भगवद गीता है, मेन चीज़ भगवद गीता का संदेश है। पहनावे में क्या है, ये तो भौतिक चीज़ है, लेकिन भौतिक चीज़ें नहीं है, इन सब चीज़ का असर पड़ता है ना। और यहाँ तक कि इतना असर पड़ता है कि किसने कपड़ा बनाया उसका भी असर पड़ता है। उस डिटेल में जाएंगे तो अभी इस स्तर पर पालन करना मुश्किल है। हम देखते हैं जो हैंडलूम होता है, ये भक्त लोग कपड़े बनाएंगे, उसको पहनेंगे, उसका और अलग चेतना आएगी, और जो फैक्ट्री मेड होगा उसका अलग चेतना होगा। क्योंकि ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, कौन सा पहनावा है, कैसा पहनावा है, जो हम पहन रहे हैं, अगर और बारीकी में जाएं तो किसने बनाया है, ये भी मैटर करता है। हालांकि अभी उतना हम पालन नहीं कर पाएंगे, वो मुश्किल है, लेकिन कम से कम बाहरी रूप से धोती कुर्ता तिलक पहनना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ बताया गया है, सुगंधित तेल, इत्र के फब्बारे, इसका अनावश्यक चीज़ों का उपयोग ना किया जाए। वैष्णवों के लिए सादा रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है, वैष्णवों के लिए सिंपल रहना। गर्मी है तो गर्मियों में कोई डीओ लगाकर मंदिर में आ रहे हैं तो, या कुछ ऐसे चीज़ें उपयोग कर रहे हैं कि पसीने की स्मेल आएगी, और पसीने की स्मेल के लिए आप कुछ केमिकल लगा के आ रहे हैं शरीर पर, तो वो अच्छा नहीं है, है ना। फिर यहाँ स्वच्छ कपड़े हों, अगर जिन कपड़ों में एक बार हमने विश्राम कर लिया है 45 मिनट से अधिक, तो वो कपड़े क्या हैं, दोबारा फिर धारण नहीं किया, ये स्टैंडर्ड है। अगर 45 मिनट से अगर हम सो गए हैं उन्हीं कपड़ों में, तो वो दोबारा उसको यूज नहीं किया जा सकता, है ना। और जो कुकिंग होती है, अल्टर वर्शिप है, और उसमें उसके एक्सटेंशन है, जैसे सब्जी कटिंग है, फूल माला बनाना है, उसमें भी ऐसे नियम हैं कि जो वस्त्र होना चाहिए एकदम फ्रेश होना चाहिए। क्योंकि जिस वस्त्र में, मान लीजिए हम वस्त्र पहन के आए हैं, है ना, हमने प्रसाद लिया, अब प्रसाद का कुछ दाना गिर गया, और उसमें हम फिर गए किचन में फूल माला बनाने गए, तो क्या होगा, वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे ही विग्रह आएंगे या विग्रह आने से पहले, ये सब भी नियम धीरे धीरे आने वाले हैं, कि जैसे ही विग्रहों की सेवा में आ रहे हैं, कुकिंग में आ रहे हैं, है ना, कुकिंग से संबंधित सेवाएं हैं, फूल माला में आ रहे हैं, तो उसमें एकदम फ्रेश ड्रेस होना चाहिए। अगर फ्रेश ड्रेस नहीं है, उसको हमने पहले से उपयोग कर लिया है, तो दूसरी सेवा कर सकते हैं, बहुत सारी सेवा, और भी सेवा, कोई प्रैक्टिकल कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि हर बार हम फ्रेश ड्रेस में नहीं आ पाते, बारिश का सीज़न है, कुछ दो तीन पैरी हैं तो नहीं आ पा रहे, लेकिन ये इसका हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि हमें भगवान को जो ऑफ़र करना है अल्टीमेटली, वो एकदम सबसे शुद्ध होना चाहिए, सबसे बढ़िया होना चाहिए। तो सबकी चेतना है, चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो सब्जी कटिंग है, चाहे वो फूल माला है, सबकी चेतना इकट्ठी होती है और वो भगवान को ऑफर होती है। तो हर व्यक्ति को अपने आप को इस तरह से मंदिर में आना है। फिर कुछ कपड़े होते हैं जहाँ भगवान के वो बने होते हैं, ऐसे भगवान का पिक्चर बना हुआ है, तो बेटर है उनको हम धारण ना करें, अच्छा है वो धारण ना करें, क्योंकि प्रणाम करेंगे तो भगवान का वो नीचे आएगा, है ना। तो ऐसे कपड़ों को अवॉइड करें, ऐसे ही वस्त्र पहने जिसमें कुछ लिखा नहीं हो, जैसे कुछ टी शर्ट पे आता है आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, तो ठीक है, एक लोगों को प्रमोट करने के लिए कम से कम टी शर्ट पहने, लेकिन जो एक स्तर पे सीरियस हो गए हैं फिर ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नए लोग थोड़ा आए हैं उनको बता दिया, कोई यूथ है नया है उसको बोल दिया,
लेकिन जो एक बार कमिटेड हो गए हैं, रेगुलर सेवा में आ रहे हैं, तो ये सब फैंसी चीज़ें है ना कम से कम यूज ही नहीं करना है, सिंपल होना चाहिए, है ना। और इसका हम उदाहरण दक्षिण भारत के मंदिरों में देख सकते हैं। वहाँ की वहाँ देखिए, चाहे वो पुरुष हों माताएं हैं, एकदम सरल सादगी वाला जीवन होता है। वो पता भी नहीं चलेगा, कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो हो सकता है भौतिक रूप से बहुत संपन्न है और ऐसी धोती कुर्ता में घूम रहा हो, पता भी नहीं चलेगा कौन है, है ना। तो एक हो सकता, मेरा ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकता है, कि साउथ में लोग थोड़ा दिखावा कम करते हैं, नॉर्थ में दिखावा अधिक होता है, साउथ में थोड़ा सा ज़्यादा सोवर सोवर रहते हैं। अगर चीज़ें होंगी भी तो भी दिखावा नहीं करेंगे, यहाँ क्या होता होगा नहीं तो भी दिखाएंगे, ज़्यादा शो ऑफ अधिक होता है ना। तो वैष्णव परिधान ऐसे होना चाहिए जो सिंपल और सादगी वाले होना चाहिए। ओके, तो अभी सवा नौ हो गया है, तो ये वस्त्र और वेशभूषा पे हम अगले रविवार फिर से चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद आगे आएगा तिलक कैसे लगाना है, तिलक के क्या नियम। ओके, हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है, कुछ प्रश्न है जी? क्या क्या हो जाता है, हम मंदिर में आते हैं तो वैष्णव वेशभूषा में आते हैं, ग्रुप में जा रहे हैं, अभी अभी टॉपिक नहीं आया, व्यवहार के बारे में अलग है। अभी आएगा कि बाहरी लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, भक्तों के बीच में कैसे व्यवहार, वो आगे टॉपिक आएगा। ये बात प्रयास ये करना है कि कम से कम मुठभेड़ हो, कम से कम झगड़ा हो। कम से कम समय के लिए हो, और कोई हमारा भक्त होने के कारण गलत फायदा भी नहीं उठाए, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अनावश्यक हमें झगड़ा मुठभेड़ नहीं लेनी है, वो आगे फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि केस टू केस अलग हो सकता है, प्रिंसिपल है। मतलब हम बता सकते हैं, अगर मान लीजिए अभी जिसका बैग गिरा है उसने भी तो एक तरह से जानबूझ के तो गिराया नहीं, कि बैग लेके गिराया, ऐसे ही है ना, वो व्यक्तिगत रूप से बात कर लेंगे, मत वो क्या फिर टॉपिक से हम हट जाएंगे, व्यक्तिगत रूप से बात। सामान्यता क्या होना चाहिए, सामान्य नियम क्या है, कि झगड़ा कम से कम हो, मुठभेड़ कम से कम हो, और कोई हम भक्त हैं इसीलिए कोई कुछ भी बोल दे, कैसा भी व्यवहार कर ले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये एक जनरल प्रिंसिपल है। अभी केस टू केस में अलग हो सकता है, वो फिर हम बाद में डिस्कस कर लें। अभी तो आया नहीं चैंटिंग का, हाँ तो बात भी कर रहे हैं चैंटिंग भी कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है, तो वो अच्छा सर, हाँ आइडिया कुछ नहीं है, करनी नहीं चाहिए, वो डिपेंड करेगा। देखिए कोई भी क्रिया है अपने आप में सही है या गलत है, ऐसा नहीं होता कि ये क्रिया सही है ये क्रिया गलत है, इस क्रिया के साथ साथ क्या चल रहा है वो भी देखना है ना। जब करते हुए बात करना है सही है या गलत है, तो अभी वो सही हो गया ऐसा नहीं या गलत हो गया नहीं, उस समय क्या चल रहा है। सामान्यतः जब करते हुए बात नहीं करना है,
अभी कोई ऐसी परिस्थिति है जहाँ बात करना पड़ रहा है, सेवा है तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए नियम को समझना है, लेकिन नियम के पीछे उसकी जो स्पिरिट है, भावना है, वो समझना है। ऐसा नहीं कि नियम तो पालन कर रहे हैं, उसके पीछे जो स्पिरिट है वो चली गई, वो जरूर। अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन रहेंगे तो अच्छा है, अच्छा ही। वहाँ तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई शर्म जैसा नहीं, तो वहाँ तो और अधिक वैष्णव ड्रेस में रहना चाहिए। धोती कुर्ता तो बहुत कंफर्टेबल है, उससे कंफर्टेबल क्या हो सकता है। हाँ ठीक है, वो तो ठीक, वो कर सकते हैं। तो कभी कभी जब वैष्णव प्रणाम को लेके कभी कभी ऐसे कोई हमसे वरिष्ठ भक्त हैं और बहुत दिन के बाद आए तो हम देखते हैं ऑलरेडी इतने सारे वो प्रणाम कर चुके हैं, फिर हमको लगता है कि मैं फिर से जाऊँगा तो फिर से वो मेरे सामने प्रणाम करेंगे, तो ऐसा मन में आता है कि वो कितने बार वो प्रणाम करेंगे, तो क्या ऐसे सिचुएशन में हम उनको दूर से प्रणाम कर लें, वो हमें ना देखें लेकिन हम प्रणाम ऐसे भी किया सकता है, दूर से प्रणाम किया सकता है, लेकिन पास में आकर प्रणाम करना तो भक्ति का अंग ही है। तो नहीं, हम ऐसा विचार करते हैं कि वो उसने वरिष्ठ हैं, वो ऑलरेडी इतने बार भक्तों को प्रणाम कर चुके हैं, फिर से उनको ऐसे विचार करते नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी थे, जितने बार विग्रहों को प्रणाम करते थे उससे डबल बार वैष्णवों को प्रणाम करते थे, ऐसा उनके चैतन्य चरितामृत में आता है कि पूरे दिन में जितनी बार विग्रहों को प्रणाम किया उससे दुगना वैष्णव। तो अगर वैष्णव अगर रिटर्न में प्रणाम कर रहे हैं आदान प्रदान, तो कोई बात नहीं, कोई नहीं, बैक की एक्सरसाइज हो जाएगी। हाँ फिर से हाँ जी, समूह में कर रहे हैं तो हमें भी कर रहे हैं। पंचांग प्रणाम, जनरली पंचांग प्रणाम, जैसे गुरु महाराज हैं, कोई सन्यासी हैं, तो जब वो पहली बार आते हैं तो पूरा अष्टांग प्रणाम होना चाहिए। जैसे जब आपने बताया कि जैसे प्रणाम और से जब कहीं से भी शुरू कर नहीं, जैसे मान लीजिए ये है तो अभी हमने यहाँ तक जब किया तो इसको यहाँ साइड में कर लिया और सबसे पीछे से चालू कर लिया वहाँ से। कुछ लोग नियम, कुछ भक्त ऐसे नियम करते हैं कि ये करना ही नहीं है, वो व्यक्तिगत है, पूरा माला हो जाएगा तभी करेंगे। कुछ भक्त साइड में करते हैं, तो दोनों कर सकते हैं, छोड़ दें या फिर सही करते हैं, कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। काफी समय पहले मैंने किसी से पूछा था, उन्होंने बोला अगर आप छोड़ रहे हैं तो छोड़ ही दीजिए। हाँ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं जी। एक जी, तो जैसे मैंने माताओं को बताया कि माताएं अगर टेंपल हॉल में प्रवेश करते साथ दाएं हाथ पर हैं वो, तो वो सीधे प्रणाम करें, उनको ऐसा नहीं कि लेफ्ट हैंड पर भगवान को रख के प्रणाम करना, ठीक है। दूसरा, जब भगवान को पुरुष भक्त प्रणाम कर रहे हैं तो ये प्रयास करना है कि जो वक्ष स्थल है वो भगवान के सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भगवान से इतना आगे प्रणाम कर रहे हैं कि पैर भगवान के सामने और हम आगे निकल गए, तो वक्ष स्थल, सिर या फिर और पीछे, पैर भगवान के सामने नहीं होना चाहिए, करेक्ट पॉइंट। तो कभी कभी ऐसा होता है मंगला आरती में जल्दी जल्दी में आते हैं, प्रणाम करते हैं तो पैर भगवान के सामने होते हैं, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। या तो सिर होना चाहिए या छाती होना चाहिए या पीछे कर लें। यस हाँ वहाँ पर
घर में जितना कर सके, जितना कर सके, जितना, देखिए क्या है, जैसे हमारा जो कोर्स हुआ था टीटी वर्शिप का, तो उसमें एक प्रश्न मैंने पूछा था कि मंदिर के सारे भक्तों को अगर कहीं बुलाया है प्रसाद के लिए, तो हम मंदिर में कुकिंग करें या ना करें। तो उन्होंने बताया कि ड्यूटीज होते तो क्या करते आप, कुकिंग करते। तो अगर फोटो हैं तो आप ऐसा क्यों समझ रहे हो कि भगवान नहीं, वो भी तो भगवान है ना। तो उनके साथ हम कैसा डील करेंगे वैसा हमारे साथ आदान प्रदान होगा। अभी घर में है तो घर में अगर भगवान है, है ना, अगर घर में कोई कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके सामने हम कैसे भी तो बात नहीं करेंगे, तो भी कॉन्शियस रहेंगे ना। तो भगवान जो हैं घर के स्वामी, अल्टर में हैं, तो जितना हम चौकन्ने रहेंगे उतना रेसिप्रोकेशन होगा। लेकिन मंदिर के लिए पूरा कढ़ाई से, और घर में जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा, वही हमारी कॉन्शियसनेस बताता है ना। अल्टर है तो अभी अल्टर के पास जा रहे हैं, ऑफरिंग कर रहे हैं, कितने हम सचेत हैं, हम भगवान की तरह देख रहे हैं कि एक बस प्रसाद मशीन है कि हमें ऑफर कर दिया, आरती कर दिया। तो जितना हम सचेत हैं उतना प्रगति होगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, कृष्ण चेतना। यस, जब भगवान के पट खुले हैं तब नहीं किया था। जब पट खुले हुए हैं और कोई वैष्णव आते हैं तब प्रणाम। भगवान के सामने केवल प्रभुपाद और गुरु, उनको ही प्रणाम होता है, और किन्हीं वैष्णव को प्रणाम नहीं होता। अब टेम्पल हॉल के बाहर जाकर पीछे जाकर प्रणाम कर सकते हैं, नहीं नहीं साइड। कैसा, हाँ, तो उसमें मानसिक रूप से प्रणाम कर सकते। मैं बताया जैसे कोई भारी सामान कोई लिए हैं, फूल लिए हैं, हाँ काम से जल्दी में जा रहे हैं, तो मानसिक रूप ऐसे प्रणाम कर लिए, वो कर सकते हैं परिस्थिति को देखते हुए ऐसे किया। पीछे खड़े होकर प्रणाम कर सकते, टेम्पल हॉल में नहीं आए, टेम्पल हॉल के पीछे खड़े होकर, कोई बात नहीं, भगवान देख रहे हैं हमारी कि बीमार में भी आया है। मैं बताया नियम किस लिए हैं, नियम हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। अभी कोई मान लीजिए किसी का इतना बैक पेन है वो झुक नहीं पा रहे, कई बार ऐसा होता है, कई सन्यासी हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम है नहीं झुक पा रहे, तो उनको खड़े होके ही प्रणाम करना पड़ता है, तो एक्सेप्टेड है। तो भगवान तो किसी को दूसरे को जजमेंट नहीं देना है, भगवान जजमेंट ले रहे हैं। आउट ऑफ लेजीनेस कोई कर रहा है तो भगवान तो देख रहे हैं, आलसी, हाँ वो तो उसी उसका होगा, वो तो सबकी व्यक्तिगत भक्ति चल रही है। रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे उनकी ऐसी स्थिति थी कि जब प्रणाम करते थे उठ नहीं पाते थे, कुछ वैष्णव आते थे उनको उठाते थे और फिर उनको बोलते थे कि आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं, इतने वृद्ध हो गया, क्या जरूरत है प्रणाम को। तो वो उन्होंने बताया कि भगवान से श्रेष्ठ वैष्णव तो उनको तो प्रणाम करना है कैसी भी स्थिति हो, तो जब उठ नहीं पा रहे हैं प्रणाम करने के बाद, ऐसी स्थिति में प्रणाम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली चेतना, कोई बीमार है झुक नहीं पा रहा है, बैक पेन है, कोई बात नहीं, ऐसे खड़े हो गए, भगवान को स्वीकार करेंगे। प्रणाम मतलब सरेंडर, सरेंडर का मूड है, तो उस तरह से बीमार की अवस्था में कर सकते हैं। हाँ टेलकम ठीक है, जो केमिकल से जो जो लिक्विड रहता है वो नहीं लगाना चाहिए। हाँ द्वार पर उस समय भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, फर्स्ट प्रणाम द्वार पे करना है फिर अंदर जाना। ओके जी,
मतलब निर्भर करता है, मैंने बताया ना सही या गलत वो निर्भर करेगा परिस्थिति क्या है। हाँ जी जी, जहाँ आवश्यकता है सेवा है, घर के कोई अर्जेंट काम आ गया, मान लीजिए घर में है माला कर रहे हैं, कोई आ गया गेस्ट आ गया, माला रख सकते हैं, निर्भर करेगा परिस्थिति क्या है। सामान्यता नहीं होना चाहिए सामान्यता, लेकिन ऐसी परिस्थिति है तो रख सकते हैं, कोई बात नहीं। गुरु महाराज का भी कई बार ऐसे देखा है, दर्शनार्थी का टाइम आता है, थोड़ी माला बची हुई है, माला ऐसे करते हैं, माला रखते हैं, दर्शनार्थी हुआ, गुरु पूजा हुआ, माला उठाया और जब करना चालू किया। नहीं उधर मैंने बताया ना, वो व्यक्तिगत है, स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं, वहीं से भी कर सकते हैं। एक एक मिनट। हाँ, प्रभुपाद जी का। हाँ, और जैसे हम देखते हैं कि जैसे प्रवचन चल रहा है और पट खुला, तो प्रणाम करना है नहीं करना है? नहीं करना है तो क्यों करना है, नहीं करना है तो नहीं, क्यों नहीं करना? एक हाँ यस, अगर प्रवचन चल रहे हैं तो वो भी कृष्ण कथा है, तो कृष्ण कथा और कृष्ण अलग नहीं है, तो हमको पट खुला तो अलग से भगवान को प्रणाम करना नहीं है, क्योंकि हम मानसिक रूप से कर सकते हैं। यस, जब प्रवचन चल रहा है और पट खुलते हैं बंद होते हैं तो मानसिक रूप से प्रणाम करें, क्योंकि जो कृष्ण कथा है उसमें स्वयं कृष्ण उपस्थित हैं, तो जहाँ कृष्ण उपस्थित हैं तो अभी प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान से सुनना है और मानसिक रूप से प्रणाम करें। इस तरह से और कोई प्रश्न? जी मत, मंगला आरती में समझा नहीं, जब अधिक संख्या में माता जी हैं। लग सकते हैं, हाँ नहीं, थोड़ा सा दूर दूर होकर अच्छा है कि प्रणाम करें, वो आदत होना चाहिए कि हम पंचांग प्रणाम करें। तो उसमें ध्यान रखना है, वो तो जब प्रणाम कर रहे हैं थोड़ा सा इधर साइड में हो गए, थोड़ा इधर हो गए, थोड़ा आसपास देखते हुए प्रणाम करना है। जैसे धाम में जाते हैं बहुत भीड़ होती है तो प्रणाम करते हैं तो थोड़ा देख लेते हैं, किसी के पैर तो टच नहीं हो जाएंगे, तो प्रणाम तो करना ही है। मतलब बहुत भीड़ है तो ठीक है, जैसे अभी मंगला आरती में यहाँ बड़ा पंडाल है, तो मान लीजिए 40 माता जी हैं तो हम प्रणाम कर रहे हैं तो थोड़ा दूर चले जाएं, दूर जाके फिर प्रणाम करें, जब पूरा हॉल ही भरा हुआ है तो अलग बात है। कोई बात नहीं, सिर नहीं रख पाते, हाँ मान्य जी मैम, जी जी रुक जाएगा तो उस समय, मतलब किचन में आके या बाहर वहाँ पर उस एरिया में जाके वहाँ प्रणाम कर सकते हैं, वो भी ध्यान रखना है जब प्रणाम कर रहे हैं तो बाकी सेवाएं बाधाएं ना हो। जी मतलब मंदिर के बाहर, मंदिर के बाहर गेट के बाहर पर अगर हमें मिलते हैं, हाँ माता जी मिले, हो सकता है आप ही मिले, तो हम उस समय आपको वैसा प्रणाम नहीं कर पाएंगे जो मतलब नियम है, पर अगर हम श्रद्धा से सिर झुका के हाथ जोड़ के अगर प्रणाम करते हैं तो मान्य है। हाँ कर सकते हैं, किया जा सकता है, कर सकते हैं, जैसे बाहर जा रहे हैं मंदिर के बाहर हैं या कहीं पर मिलते हैं
ऐसे प्रणाम किया जा सकता है। लेकिन उसमें एक बात यह है, मैं बताइए, व्यक्तिगत चीज़ है। जैसे कभी कोई भक्त आ रहे हैं ट्रेन से आए, तो सामान्यतः जाते हैं तो प्लेटफॉर्म पर ही प्रणाम कर देते, वहीं पर पंचांग प्रणाम करते। ऐसा मतलब जहाँ भी वैष्णवों को देखें वहाँ पर पंचांग प्रणाम करना है। उसमें ये होगा हमारी ड्रेस, धोती कुर्ता खराब हो सकता है, ये आसपास के लोग क्या समझेंगे। जैसे हम जाते हैं कि धाम में हम उतरे, स्टेशन से उतरे तो प्लेटफॉर्म में प्रणाम करते हैं। वृंदावन धाम गए तो वहाँ हमने धाम को प्रणाम किया। अभी ग्रुप में होते हैं तो पता नहीं चलता, अकेले गए तो आसपास वाले सोचेंगे क्या हो गया इसका, सफाई कर रहा है। तो उनका कल्चर हमारा कल्चर पूरा अलग ही है, तो ऐसा होता है। तो बाहर के लोग उसको नहीं समझ पाएंगे, तो ठीक है हम ऐसे ही प्रणाम कर लें। अगर कर सकते हैं, पूरा पंचांग कर सकते हैं तो और अच्छा होगा। क्या? हाँ ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर हम विराम लेते हैं, तो अगली कक्षा में हम और चर्चा करेंगे तिलक और केश शिखा स्वच्छता के नियम। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगली क्लास में सब कृपया करके आइए, क्योंकि बहुत सारे सूची मुची के नियम हमको पता नहीं होता है। उससे हमें सेवा तो होती रहती है लेकिन प्रगति फास्ट जल्दी नहीं होगी उसमें। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।